आज आपके लिए लेके आया हूँ ओप्पो A78 5G, और इसकी डिजाइन देख सकते हो भाई साहब कितनी कमाल की है। लेकिन क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है ना, उससे भी कई गुना इसके अंदर अच्छे हिडन फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आपने इस मोबाइल को खरीद लिया या फिर खरीदने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आपको मैं ऐसे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। इस मोबाइल को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए आपको लेकर चलता हूं मैं सेटिंग में। फिर यहां पर आपको नीचे आना है और देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर देख सकते हो आप अच्छे अच्छे वॉलपेपर तो वगैरह लगा सकते हो। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर आपको मिलता है आइकॉन, जैसे कि यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आपने डाउनलोड कर रखा है उसके सेव को छोटा बड़ा किया जा सकता है। इधर स्लाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, इधर स्लाइड करोगे तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर आपको नीचे मिलता है शो ऐप नेम्स, इसको हटाने के बाद में आप देखोगे इंस्टाग्राम फेसबुक इनके नीचे से नाम हट चुका है, बस आपको इनको आइकॉन देखकर ही पहचानना होगा। तो ऐसा आईफोन में होता है, जैसे आप इसमें भी कर सकते हो। फिर आपको सिंपली यहाँ पर अप्लाई कर देना है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि इस मोबाइल के अंदर इनके शेप को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कस्टम के अंदर आना है और आप देख सकते हो इन इन डिजाइन के अंदर इनको बना सकते हो। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको चुन लेना है, फिर अप्लाई कर देना है। लेकिन यहाँ पर आपको पीबल ये वाला स्टाइल भी मिलता है, जिसमें ऐप के आइकॉन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। लेकिन बैक आने के बाद में मैं आपको और भी तगड़े हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ। यहाँ पर मिलता है कलर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है और जब भी आप इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर जो भी इनेबल कर रखा है उनका कलर ब्लू है, तो आप इनके कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला ग्रीन कलर हो चुका है। इसके अंदर जाने के बाद में और भी तगड़े तगड़े कलर्स मिल जाते हैं, तो आप इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर कस्टम, यहाँ पर आप अपना मन पसंदीदा फेवरेट कलर भी चुन सकते हो। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है, फिर आपको इस तरीके से कलर देखने को मिलेगा। बैक आने के बाद में आपको इसमें मिलता है क्विक सेटिंग, इसके अंदर क्या होगा जब भी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो जैसे यहाँ पर ये रिंग वाला है इसको ऑन करता हूँ तो अभी ये राउंड सर्कल के अंदर है, तो आप इसके सर्कल को भी चेंज कर सकते हो, जैसे विंडो कुछ इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर बैक आने पर मिलता है जैसे ये वाला, तो इसकी डिजाइन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ से चुनकर अप्लाई कर देना है। इसी के अंदर आपको यहाँ पर मिलता है फंट, जिसमें आप देख सकते हो गाइज आपके मोबाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसकी साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है। और फिर आप अप्लाई कर दोगे, बैक आकर देखोगे इनकी साइज बड़ी हो चुकी है, और भी ज्यादा बड़े करते हो तो यहाँ पर और भी बड़े अक्षर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अब आपको आना है बैक और मिलती है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर काफी तगड़े तगड़े फीचर्स बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले मिल जाता है डबल टैप टू लॉक, इसको ऑन कर देना है और नीचे आना है। यहाँ पर मिलता है राइज टू बैक, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर मिलता है डबल टैप टू वेक ऑन टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको भी ऑन कर देना है जो हमने पहले से कर रखा है। अब आप बैक आकर देखोगे डबल टैप करते ही आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा, डबल टैप करते ही ऑन हो जाएगा। और जैसे आपका स्मार्टफोन टेबल पर यूं रखा हुआ है, आपको बिना बटन दबाए कोई नोटिफिकेशन या टाइम देखना है तो ऐसे हाथ में लेकर फ्लिप करोगे मोबाइल को, या फिर इस तरीके से करोगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। गाइज अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे स्मार्टफोन में यहाँ पर नीचे बटन नहीं है, ना ही बैक बटन है। आप भी ऐसे बटन को हटा सकते हो, और बैक आना है तो इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। और रिसेंट सेट्स को यूज करना है तो नीचे से होल्ड एंड प्रेस करके रखना है, जिसमें भी आप इस तरीके से यूज में ले पाओगे। तो इन बटन को इस तरीके से करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, आपको सेटिंग में आना है, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है जैसे कि एडिशनल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जाना है। अब आप देख सकते हो अगर बटन आपको हटाने हैं तो यहाँ पर गेस्चर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और बटन को ऐड करना है तो यहाँ पर बटन के ऊपर ऐड कर सकते हो। आप देख सकते हो हमारे स्मार्टफोन में बटन आ चुके हैं। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, जैसे राइट ये बैक वाला बटन है वो राइट इधर की साइड में, अगर इसको आप इधर लेफ्ट में करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, अभी ये लेफ्ट साइड के अंदर आ चुका है। और बटन हटाना चाहते हो तो गेस्चर के ऊपर क्लिक करके इन बटन को हटा सकते हो। आप बैक इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। फ्रेंड्स क्या आपको पता है जैसे मैं सेटिंग में हूँ और यहाँ पर इधर से स्लाइड करूंगा तो मेरे सामने एप्स वगैरह निकल कर आ जाएंगे, मुझे होम स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं दूसरा ऐप भी सेट कर सकता हूँ जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, जैसे कैमरा हो गया या फिर क्रोम ब्राउजर, ये यहाँ पर आ चुके हैं, अब मुझे डन कर देना है। अब आप देखोगे जैसे सेटिंग पे हो, फिर इधर से स्लाइड करके इसको निकालते हो, निकालने के बाद में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है तो ये क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से सेटिंग में भी बैक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अगर आप व्हाट्सएप पर चैटिंग वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर आप दूसरी चीज भी यूज कर सकते हो एक साथ में, फिर आप इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो, इसकी साइज को भी इधर से स्लाइड
मतलब छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वाला फीचर ऑन करने के लिए आपको जाना होगा सिंपली स्पेशल फीचर में और यहाँ पर आना है और यहाँ पर स्मार्ट स्लाइड बार मिलता है, तो इन तीनों सभी को ऑन कर देना है। फिर इस तरीके से आप यहाँ पर बैक आकर यूज कर पाओगे इधर इस स्मार्ट स्लाइड बार को। और फ्रेंड्स मेरे स्मार्टफोन की बैटरी अभी कितनी बची है वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा, बस यहाँ से देख सकता हूँ कि लो मोड में अंदर। आप चाहते हो कि इस बैटरी के स्टाइल को चेंज करना या फिर यहाँ पर बैटरी के परसेंटेज शो हो, तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद में नीचे आना है और मिलेगा यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर स्टेटस बार के ऊपर जाना है और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को ऑन कर देना है। ऑन कब कैसे कर पाओगे, जैसे आउटसाइड में अगर आपको बैटरी के आउटसाइड में परसेंटेज दिखाने हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बाहर की तरफ आउटसाइड में परसेंटेज देखने को मिलेंगे, और आप चाहते हो कि बैटरी के अंदर दिखाई दे तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ बैटरी स्टाइल, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप बैटरी की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये इस तरीके से टेडी मोड के अंदर रखी हुई है, मतलब हॉरिजॉन्टल में, तो आप इसको वर्टिकल मतलब खड़ी कर सकते हो। यहाँ पर लूप मिलता है, तो इसके अंदर तो बड़ी कमाल की हो जाती है बैटरी, जैसे राउंड सर्कल में हो जाती है और जितनी बैटरी बची हुई होगी उतना डार्क मोड के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक प्रैंक करना चाहते हो तो यहाँ पर बैटरी को भी हटा सकते हो, जैसे डू नॉट शो कर सकते हो। अब आपके स्मार्टफोन में बैटरी शो नहीं होगी इसको करने के बाद में, जैसे कि ये रहा बैटरी स्टाइल और यहाँ पर डू नॉट शो। तो ऐसा आप अपने फ्रेंड वगैरह के मोबाइल में करोगे तो वो भाई बोलेगा मेरे मोबाइल में बैटरी ही शो नहीं हो रही है। और यहाँ पर गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इसको ऑन करने के बाद में आपके मोबाइल में जो नेट वगैरह यूज हो रहा है जहाँ पर आपको स्पीड बता देगा कि कितनी एमबीपीएस हम नेट को यूज कर रहे हैं, कितनी स्पीड आ रही है, वो आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। इस मोबाइल की डिस्प्ले तो काफी कलरफुल मिल जाती है, लेकिन डिस्प्ले के कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। सेटिंग में आना है और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको देखने को मिलती है डिस्प्ले की सेटिंग, जैसे कि सबसे पहले मिलता है ये डार्क मोड, इसको ऑन करने के बाद में देखो कि डिस्प्ले का कलर पूरा का पूरा ब्लैक हो चुका है। ये क्या काम आता है, अगर आप मोबाइल को नाइट में ज़्यादा यूज करते हो तो इसको ऑन करके यूज कीजिएगा, इससे क्या होगा आंखों पर रोशनी कम पड़ेगी और आप ज़्यादा मोबाइल को यूज कर पाओगे कम्फर्टेबल मोड के अंदर। और गाइज नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको मिलता है जैसे ऑटो ब्राइटनेस, इसको ऑन कर दोगे तो आप धूप के अंदर जाओगे तो अपने आप ब्राइटनेस फुल हो जाएगी, अंदर आओगे तो अपने आप ब्राइटनेस लो हो जाएगी। लेकिन इससे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बैटरी ज्यादा ड्रेन होती है, तो आपके ये यूजफुल ना हो तो इसको बंद कर दीजिएगा। नीचे आने के बाद में मिलता है आई कॉम्फर्ट, इसको ऑन करने के बाद में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आई कॉम्फर्ट को ऑन करने के बाद में डिस्प्ले का कलर येलो हो चुका है। अगर आप ऑफिस में बैठे हो या फिर मोबाइल में पूरा दिन पढ़ाई वगैरह करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, तो इसको यूज़ करने के बाद में आप इस तरीके से लो लाइट के अंदर कम्फर्टेबल मोड के अंदर मोबाइल को यूज़ कर पाओगे, जिससे आंखों पर रेटिना रोशनी कम पड़ेगी और मोबाइल आराम से यूज़ कर सकते हो। वीडियो कलर इन्हेंसर, अगर आप इस मोबाइल के अंदर यूट्यूब या मूवी वगैरह अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हो तो इसको यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। अब ये देखिएगा सपोर्टेड ऐप्स, अगर आप इसमें डेटा वगैरह यूज़ करोगे तो यहाँ पर यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह आ जाएगी, तो उनके अंदर आप HD क्वालिटी के अंदर वीडियो वगैरह देख पाओगे। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर देख सकते हो इस मोबाइल में आपको 90Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलती है। तो आप अभी यहाँ पर स्टैंडर्ड यानी 60Hz के ऊपर मोबाइल को कर रखा है आपने और आप चाहते हो कि मोबाइल को ज़्यादा फास्ट यूज़ करना है, गेमिंग वगैरह करते हो, तो यहाँ पर हाई क्वालिटी में कर सकते हो। आप इन दोनों में फ़र्क देख सकते हो, हाई करने के बाद में आप काफ़ी फास्ट तरीके से स्क्रीन को यूज़ कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका नॉर्मल यूजेस है मोबाइल के अंदर तो यहाँ पर 60Hz कर दीजिएगा, इससे क्या होगा बैटरी वगैरह कम ड्रेन होगी और आप गेमिंग वगैरह और मोबाइल को ज़्यादा यूज़ अच्छी तरीके से फास्ट में करना चाहते हो तो यहाँ पर हाई कर दीजिएगा। गाइज इस मोबाइल में आप कोई ऐप के ऊपर लॉक लगाना चाहते हो जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कहीं पर भी, तो सिंपली आपको कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जाना होगा सेटिंग में, फिर यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर मिलेगा आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जो ऐप के ऊपर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हो तो उसके लिए फिंगरप्रिंट ऐड कर देना है, क्योंकि फिंगरप्रिंट ईजी रहता है और सिक्योरिटी भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है जो आप याद रख सको, फिर सिंपली आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट को सेट करना है। तो फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए आपको इस तरीके से डबल बार टैप करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो हमने फिंगरप्रिंट को ऐड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद में देखोगे अगर आप फिंगरप्रिंट को स्क्रीन लॉक में सेट करना चाहते हो तो इसको ऑन कर देना है, फिर ऐप लॉक इसको भी ऑन कर देना है। लेकिन ऐप लॉक को ऑन करने के बाद में आपको सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है जो आप याद रख सको, हार्ड पासवर्ड लगाना है। तो हम पहले वाला ही सेट कर देते हैं। फिर यहाँ पर आपको लगाने के बाद में पूछेगा
एक सिक्योरिटी रीजन, अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हो। जैसे फॉर्मर टीचर्स नेम, आपका कोई भी टीचर का नेम है, कुछ भी जो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर राइट करना है। अब आप देखोगे ऐप लॉक ऑन हो चुका है। अब प्राइवेट सेफ को भी, मतलब कोई फोटो वगैरह हाइड करना चाहते हो तो सिंपली वही वाला पासवर्ड लगा सकते हो। फिर ये भी ऑन हो चुकी है। अब आपको मैं बता दूँ ऐप के ऊपर लॉक कैसे लगाया जाएगा, फोटो वगैरह हाइड कैसे की जाएगी। तो आपको बे करना है, प्राइवेसी के ऊपर जाना है और इसके ऊपर आपको वो वाला पासवर्ड लगा देना है जो आपने पहले लगाया था। अब आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे नीचे, ऐप लॉक, हाइड एप्स, प्राइवेट सेफ। ऐप लॉक करना है तो इसके अंदर जाना है और इसको ऑन कर दीजिएगा। अब आप यहाँ से कोई भी ऐप को हाइड यानी लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद में इसके लिए उसको ऑन करना है। अब आप देख सकते हो इन इन ऐप के ऊपर लॉक लग चुका है। अब मुझे इन ऐप को अंदर जाना है तो मुझे यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ऐड करना होगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। अब मैं फिंगरप्रिंट को टच करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। लेकिन गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर ऐप हाइड कैसे किया जाता है और वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो सिंपली प्राइवेसी के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको वही पासवर्ड लगाना है जो आपने लगाया था। यहाँ पर मिलता है हाइड ऐप से और यहाँ से आप कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे मैं ये कुछ कोड लगाने होंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जैसे हैच और उसके बाद में चार कोड लगाने रहते हैं, फिर हैच लगाना है। तो ये कोड लगाने के बाद में ही आप ऐप को हाइड करते हो, उनको देख पाओगे। वो कहाँ पर देख पाओगे तो मैं बता देता हूँ। जैसे हम ये वाला ही कोड लगा देते हैं तो आप यहाँ पर कोई दूसरा कोड भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए हैच शुरुआत में होना चाहिए और बैक में भी हैच होना चाहिए। अब हमने ये वाला कोड सेट कर दिया। अब राइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर को भी हाइड कर दिया है। अब आप यहाँ से इनको देखना है तो कहाँ पर देख पाओगे, इसके लिए आपको डायलर में आना है और फिर देखोगे हैच और चार बार हमने जीरो लगाया था और हैच, ये लगाने के बाद में आपके सामने हाइड हिडन एप्स आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स इस मोबाइल को एक हाथ से यूज करने के लिए इसमें 100 मोड भी दिया है, जिससे आप एक हाथ से आसानी से यूज कर पाओगे। उसके लिए आपको सेटिंग में आना है, एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर मिलता है 100 मोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर देना है। अब आप कहीं पर भी हो, आपको एक हाथ से यूज करना है तो नीचे से हल्का सा स्लाइड करना है। अब आप देखोगे डिस्प्ले साइज छोटी हो चुकी है। अब एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो मोबाइल को और आराम से यूज कीजिएगा। अगर ये स्मार्टफोन आपके पास में है और आप जानना चाहते हो कि पूरा दिन हमने मोबाइल में कहाँ पर टाइम वेस्ट किया, कहाँ पर टाइम को यूज किया, तो ऐसा बिल्कुल जान सकते हो। कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सेटिंग में आना है आपको और यहाँ पर मिलती है डिजिटल वेलबिंग एंड पेंडेंट कंट्रोल्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बता देगा आज हमने मोबाइल को इतनी देर यूज किया है, इतनी बार अनलॉक किया है और इतने नोटिफिकेशन आए हैं। और इसमें यह भी बता देगा कि कौन से ऐप्स को ज्यादा कितनी बार यूज किया, जैसे कैमरा, अदर और मोबाइल की सेटिंग को हमने इतनी बार यूज किया है। अब मैं आपको इस मोबाइल के कैमरा की सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आप इसमें DSLR वाली फोटो क्लिक करना चाहते हो तो कैमरे के अंदर आना है, पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला सिंबल मिलेगा। अगर आप बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको बिल्कुल यहाँ पर 0.95 पर कर दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ पर आपको रखना है 1.8 के समथिंग। इससे क्या होगा, नेचुरल ब्लर वाली फोटो आएगी। तो इसमें आप DSLR वाली फोटो भी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। और मोर के अंदर आपको आने वाले स्लो मोशन, टाइम लैप्स, एक्स्ट्रा HD मोड मिलता है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे आप कोई भी फोटो क्लिक करते हो तो उसके अंदर आप ज़्यादा डिटेल देखने को मिलेगी, पिक्सल्स वगैरह नहीं फटेंगे, जिसमें आप जूमिंग भी काफ़ी ज़्यादा कर पाओगे और डिटेल वगैरह काफ़ी HD क्वालिटी में देख सकोगे। तो गाइज ये थे इस स्मार्टफोन के हिडन फीचर्स। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और हमारी वीडियो कैसी लगी। गाइज आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपने जो मोबाइल खरीदा है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।